डियर बियर जय श्री कृष्णा। ये जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ये हमारा पुराना रैक जो हम मेरठ से लाए थे, और ये हमारा जो है जिसमें बर्तन रखते हैं वो बर्तन भरा रैक, ये हमारी पुरानी वाली अलमारी वो सब बहुत पुरानी 1988 की थी। ये देखिए ये पुरानी अलमारी, और ये हमारी दूसरी अलमारी जो करीबन 8-9 साल पुरानी है। जी मैं जैसे मैंने बताया था कि मैं इनको पेंट करके इनका रिनोवेशन करूँगा, सो मैंने इनका पेंटिंग करके थोड़ा सा रिनोवेट किया है इन चीज़ों को। आप देखिए ये है हमारी नई रैक पेंट होने के बाद, देखिए अच्छा लग रहा है ना। ये इस पे हमने गणपति और माता सरस्वती को स्थापित किया है। ये है हमारी बर्तनों वाली रैक जो पेंटिंग के बाद, देखिए कैसी लग रही है। इस पे सिल्वर पेंट किया है मैंने, और ये देखिए ये है हमारी ये अलमारी का लुक। ये है हमारी दूसरी अलमारी का लुक, देखिए आफ्टर पेंटिंग ये सब मैंने हाथ से किया है। जो नया तो खैर वो पुरानी चीज़ नई नहीं हो सकती, लेकिन काफ़ी कुछ इसमें सुधार हो गया है। ये देखिए ये है पुरानी अलमारी, ये भी पेंटिंग करी है। ये हमने पूरा अपना जो मंदिर था उसको भी पेंट किया है, और ये मैंने आपको बताया था ये हमारे नेम प्लेट जो सौरभ और नीलम ने मंगाया था हमारे अपार्टमेंट में लगाने के लिए, वो मैंने यहाँ दरवाजे पर फिक्स कर दिया है। ये देखिए ये हमारे मेन दरवाजे पर मैंने इसको स्क्रू से फिट कर दिया है। अच्छा जैसा कि मैंने बताया था ये हमारा किचन का काम होना बाकी है, किचन का काम के लिए सामान आया है अभी। इसमें जो ड्रॉवर्स वगैरह लगेंगे, कैबिनेट बनेगा उसके लिए ये सामान आया हुआ है। ये पाइप आया और ये अंदर के स्टील के रैक्स आए हुए। मैंने और सौरभ भाई ने मिलकर के जो नीलम के नाम से जो हमने स्पाइसेस का काम शुरू किया है, ये उसका हेड है। यहाँ वेबसाइट का पता भी दिया है, इस पर आप यह कर सकते हैं। ये हमने जो हमारा वर्कशॉप है वहाँ पर हमने अपनी फैक्ट्री पे जो है बोर्ड लगा दिया है।